रॉयल राजपूत नामक कोई संगठन ही नहीं, फर्जी तरीके से की जा रही थी पैसे की वसूली। अभी तक तमाम राजपूत समाज को भ्रम में रखकर रॉयल राजपूत संगठन चलाया जा रहा था, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट रूप से आदेश है कि जिन संगठनों के आगे रॉयल किंग जैसे शब्द लगे हों उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। अभी तक यह काम रीवा में फर्जी तरीके से किया जा रहा था। कहा जा सकता है फर्जी नाम फर्जी वसूली जैसे आरोप लगे अब तक रॉयल राजपूत नाम के संगठन चला रहे संजीव सिंह पर, जिनकी वजह से करनी सेना के जिला अध्यक्ष सहित विंध्य क्षत्रिय समाज के कई कर्मचारी कार्यकर्ता संगठन छोड़कर चले गए। इस बारे में रीवा दर्शन को तरुणेन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। कुछ दिन पूर्व पेपर में ये खबर आई थी कि रॉयल राजपूत संगठन से कुछ पदाधिकारियों को हटाया गया है। मैं अखबार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रॉयल राजपूत नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड है ही नहीं। हम लोगों को रॉयल राजपूत संगठन में पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगातार इस संगठन के नाम से काम करते आ रहे हैं और इसके अध्यक्ष संजीव सिंह संजू रोजवा हाउस हैं, जो कि हम लोगों से ये बोल के रखे हमेशा से कि संगठन का रजिस्ट्रेशन है और उसमें कई सारे पद बांटे, मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया, आपको प्रदेश प्रभारी बनाए, कई सारे से पद बांटे लोगों की, ये सब संगठन का रजिस्ट्रेशन है, पद बांटे लोगों को। लेकिन फिर जब बैंक में खाता खुलने की आई, पैसे की जब लेन देन आई कि बैंक में इसी नाम से खाता क्यों ना खुलवाया जाए, तो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं कि जिससे बैंक का खाता खुल सके। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि या तो आप संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाइए और या तो फिर दूसरे नाम से संगठन चलाइए। इसलिए उन्होंने पेपर में खबर प्रकाशित करवाई कि रॉयल राजपूत संगठन से पदाधिकारियों को हटाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सैकड़ों भाई हैं जिनसे सदस्यता शुल्क के नाम पे 1,500-2,000 पैसे इकट्ठा किए गए, कई सारे कार्यक्रमों में, छोटे मोटे कार्यक्रमों में चंदा वसूला गया और उनको अपने निजी स्वार्थ में लिया गया। ये रॉयल राजपूत संगठन की रसीद है हमारे पास, जिसमें ना तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही किसी प्रकार का कोई इसमें टिन नंबर है जिनसे ये पैसा वसूल कर रहे हैं। और सदस्यता शुल्क वाली भी एक रसीद है, ये सदस्यता शुल्क की रसीद है जिसमें कई भाइयों से पैसा लिया गया सदस्य बनाने हेतु, तो आपको कार्ड दिया जाएगा। इसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर और टिन नंबर प्रकार की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। आपके माध्यम से हम समस्त अपने समाज को, क्षत्रिय समाज को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अगर रॉयल राजपूत संगठन नाम से कोई भी पदाधिकारी आपसे किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो बिना रजिस्ट्रेशन देखे आप उसको धनराशि ना दें, क्योंकि वो राशि समाज हित के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए अपने निजी स्वार्थ में ली जा रही है। और इसके स्वघोषित अध्यक्ष संजीव सिंह संजू रोजवा हाउस बने हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये सामाजिक संगठन, झूठा सामाजिक संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो वो बैंक में खाता खुलवाते और हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाते, ना कि संगठन से बाहर करते।